हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी व्हाट्सएप पे फाइल को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को सेंड कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लेना। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट हम लोग को कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्ट किए आप नेट नहीं चला सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनेट कनेक्ट है और उसके बाद हमारा गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब इसमें हम लोग को सर्च करना है व्हाट्सअप वेब। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि सजेस्ट हो चुका है व्हाट्सअप वेब। इस पर हम लोग को करना है क्लिक। उसके बाद फर्स्ट जो आपका साइट आएगा उस पर हम लोग को करना है क्लिक। ऐसे आपके सामने बहुत सारे साइट आएंगे, लेकिन इसमें से हम लोग को चूज़ करना है व्हाट्सएप वेब का। उसके बाद हम लोग को करना है इस पर क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्कैनर क्यूआर कोड आ जाएगा, जिसको हम लोग को फ़ोन से क्या करना है, स्कैन करना है। तो फ़ोन में आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद थ्री डॉट पे आना है, लिंक डिवाइस पे आना है और लिंक के डिवाइस पे क्लिक करना है। यूज मोबाइल डाटा, यहाँ पे मेरा लॉक है तो अनलॉक करने बोल रहा है। ये हमारा स्कैन क्यूआर कोड ओपन हो चुका है कैमरा के साथ। अब इसको करना है स्कैन। ये हो चुका है मेरा स्कैन। अब हमारे सिस्टम में हमारा व्हाट्सएप क्या हो चुका है, तो लॉगिन हो चुका है। ये हमारा हो चुका है सेंड। अब सेंड करके आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर हम लोग को फिर से अटैच करना है तो फिर से हम लोग को अटैच वाले ऑप्शन पे आना है। अब हमें फ़ोटो सेंड करना है तो फ़ोटो एंड वीडियोस पे आना है और उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। सॉरी, अपने लोकेशन को चूज करना है। अभी हमारा लोकेशन डेस्कटॉप है तो हम डेस्कटॉप को चूज कर रहे हैं। उसके बाद बैकग्राउंड पे, हमारा डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड नाम का एक फोल्डर है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का फाइल है, इमेज सेव है। तो यहाँ पे हम किसी भी एक फ़ोटो को चूज करते हैं, जैसे ये फ़ोटो है हमारा। उसके बाद इसको ओपन करना है और अब हम लोग को क्या करना है, तो सेंड करना है। तो ये हमारा JPG में सेंड हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, इमेज को क्या कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। या आपका PDF फाइल हो या किसी भी तरह का फाइल हो, फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अगर आपका PC में व्हाट्सएप डायरेक्ट आपका ऐड है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम ऐड करते हैं, फेसबुक ऐड करते हैं, उस तरह से हमारा व्हाट्सएप भी ऐड होता है। तो ऐड रहेगा तो आपका डेस्कटॉप पे, जैसे ये हमारा आइकॉन है गूगल क्रोम का, उसी तरीके से आपका क्रोम रहेगा। उस पर हम लोग को क्या करना है, तो डबल क्लिक करना है तो आप व्हाट्सएप वेब पर आ जाइएगा। उसके बाद आपको स्कैन करना है और स्कैन QR कोड जैसे ही कीजिएगा तो आपका जो मोबाइल का व्हाट्सएप है, यानी आपका व्हाट्सएप है, वो सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद अटैच वाले ऑप्शन से आप किसी भी फाइल फोल्डर को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तो व्हाट्सएप को यहाँ सिस्टम से हम लोग को हटाना है, यानी रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आना है। इससे पहले आप अगर और भी कुछ इसमें करना चाहते हैं, जैसे हम लोग का फाइल ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा चीज़ होता है हमारा स्टेटस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है आपका, कम्युनिटी का, स्टेटस का और उसके बाद है न्यू चैट। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा ऑप्शन होता है फ़ोन में वो आपका यहाँ पर भी है। तो अगर आपको स्टेटस प्ले करना है तो स्टेटस वाले पे आइए, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप वाले आइए। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग को क्या करना है, तो इस सिस्टम से हम लोग को व्हाट्सएप को रिमूव करना है। तो रिमूव करना और लॉग आउट करना दोनों में डिफरेंट होता है। रिमूव यानी बोल दे, तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, तो सिस्टम को हम लोग को लॉग आउट करना है। सॉरी, हम लोग को क्या करना है, तो अपने व्हाट्सएप को सिस्टम से लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट करने के लिए हम लोग को थ्री डॉट पर आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉग आउट का ऑप्शन है, तो लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ हम लोग को लॉग आउट कर देना है। तो ये हमारा हो चुका है लॉगिंग आउट। फिर से हम लोग को अगर फिर से स्कैन करना है तो आप स्कैन करके व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग व्हाट्सएप यूज करना सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक।